मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री इमरती देवी ने डबरा में आयोजित कबड्डी प्रतिस्पर्धा में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान इमरती देवी ने कहा कि खिलाड़ी अन्य नशा छोड़कर खेल का नशा करें। देखिए ये खास रिपोर्ट। अपने एक दिवसीय प्रवास पर डबरा पहुंची प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी वृंदा सहाय कॉलेज में एक दिवसीय जिला स्तर अंतर महाविद्यालयीन कबड्डी प्रतियोगिता कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची इमरती देवी ने कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पमाला चढ़ाकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद प्रतियोगिता में शामिल होने आए खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। मंत्री मैडम ने खिलाड़ियों को अच्छा खेलने और उत्साह वर्धन करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और कहा कि बच्चे दूसरा नशा छोड़कर खेल का नशा करें। दिल से खेलते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, शरीर अच्छा रहता है और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे बच्चे अगर अच्छे से पढ़ते नहीं, खेलते नहीं तो कहीं कहीं उन पर अलग चीजों का असर होने लगता है, किसी नशे का असर होने लगता है। तो हम चाहते हैं अपने बच्चों से कि हमारे बच्चे सारे नशा मुक्ति छोड़कर एक खेल का नशा अपने ऊपर रखें और खेल का नशा ऐसा होना चाहिए कि हर वक्त वो अपने खेल में मस्त हो। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, प्रतियोगिता में ग्वालियर जिले से अलग अलग स्थानों से आई 14 टीमों में से 8 टीमों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, तो वही कॉलेज प्रबंधक एवं कार्यक्रम आयोजकों के द्वारा मंत्री इमरती देवी का पुष्प गुच्छ भेंट कर एवं शॉल श्रीफल से सम्मान भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, डबरा।